तो स्वागत है आपके YouTube चैनल फिनोलॉजी पे। एडवांस टेक्नोलॉजीज का शेयर का प्राइस 0.98 तक पहुंच गया है। कुछ दिन पहले शेयर का प्राइस डाउन हुआ था, लगभग 0.8081 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था। शेयर में अभी तेजी बना, कंपनी का Q2 25 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी शेयर करने वाला है, जो कि 14 नवंबर को कंपनी का जो Q2 25 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने वाला है। एडवांस टेक्नोलॉजीज नया एक कंपनी बनाया है। कंपनी यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज आईटी सेक्टर का बहुत ही छोटा अमाउंट का शेयर है। तो इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा डिटेल में समझेंगे एडवांस टेक्नोलॉजीज को लेके क्या चल रहा है इस कंपनी में, टेक्निकली एडवांस टेक्नोलॉजीज का शेयर कैसा है। रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों वीडियो पे पूरा बने रहिए, कोई भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। एडवांस टेक्नोलॉजीज के एक दिन में देख सकते हैं शेयर का प्राइस जो है 0.43% के आसपास रिटर्न लिया है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एक हफ्ते में 21% रिटर्न दिया है शेयर ने, और वन मंथ में 19.5% के आसपास जो शेयर में रिटर्न देखने को मिला है। दोस्तों कंपनी का अभी यहाँ पे देखते हैं वन मंथ में जो एक हाई प्राइस बना है एडवांस टेक्नोलॉजी के शेयर ने 0.98 पैसे का, और जो लो प्राइस बना है 0.76 पैसे का। वन मंथ में आप शेयर देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है। एक हफ्ते में बात करते हैं जो हाई प्राइस बना है 0.98 पैसे का और जो लो प्राइस बना है 0.80 पैसे का। एक दिन में बात करते हैं शेयर में क्या हुआ है। 0.98 पैसे का जो इसने एक हाई प्राइस बनाया और लो प्राइस बनाया 0.98 पैसे का, शेयर जो है अभी यहाँ पे अपर सर्किट लगा रहा है। तो क्या हुआ है एडवांस टेक्नोलॉजीज में या फिर इसकी कंपनी में शेयर में अपर सर्किट लग रहा है। देखिए कंपनी अभी यहाँ पे देखते हैं एडवांस टेक्नोलॉजीज बहुत ही बोल सकते हैं कि इसके जो बिजनेस है बिजनेस को लेके तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जिसको बिजनेस कर रहा है। फिलहाल शेयर का प्राइस जो उतना ज्यादा नहीं है अभी इसके कुछ मतलब बोल सकते हैं कि जो SWT एनालिसिस एडवांस टेक्नोलॉजीज का वो यहाँ पे समझते हैं तो कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक्स ओवर 5 ईयर्स Nifty 500 का। कंपनी का जो कैश है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वो जो कि सही है कंपनी का। एंड बात करते हैं जो प्रॉफिट है एडवांस टेक्नोलॉजीज का जो कि सेक्टर प्रॉफिट से ज्यादा है, सेक्टर प्रॉफिट ग्रोथ जो है उससे अगर देखते हैं तो मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। कंपनी जो है यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी है यहाँ पे इफेक्टिवली यूजिंग कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, तो कंपनी जो यहाँ पे बोल सकती है कि इसका जो कैपिटल है वो यहाँ पे सही तरीके से यूज कर रहा है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। ROCE की बात करते हैं पिछले 2 साल से यहाँ पे ROCE कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। बात करते हैं दोस्तों कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है एडवांस टेक्नोलॉजीज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है एडवांस टेक्नोलॉजीज को लेके जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी है एक नो डेब्ट कंपनी है, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजीज का कुछ डेब्ट वगैरह बोल सकते कि यहाँ पे नहीं है, नो डेब्ट कंपनी है एडवांस टेक्नोलॉजीज। अभी यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कंपनी का जो मतलब जैसे कि प्रोमोटर जो मतलब स्टेक है 0 प्रोमोटर प्लेस जो यहाँ पे स्टेक है, तो प्रोमोटर से कुछ प्लेस जो है स्टेक जो यहाँ पे प्लेस नहीं है, नो डेब्ट कंपनी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एडवांस टेक्नोलॉजीज का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। अभी जैसे कि इसका Q2 25 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है तो उसमें भी कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा एक प्रॉफिट वगैरह बना सकता है। दोस्तों अभी यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज का जो कंपनी का जो वीकनेस है उसको अगर देखें तो एडवांस टेक्नोलॉजीज का मतलब बोल सकते स्ट्रॉन्ग पॉइंट जैसे बहुत सारे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 194.2 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। देखिए इसका Q1 25 में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसा आया है, तो Q1 25 में एडवांस टेक्नोलॉजीज का जो टोटल रेवेन्यू देखिए कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं हम लोग ये कंपनी का कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन जहां पे टोटल रेवेन्यू 1730.5% के आसपास इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1776.9% इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 1116.7% इंक्रीज हुआ है, EBITDA 1116.7% इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का जो कि 1116.7% के आसपास इंक्रीज हुआ है। तो Q1 25 में एडवांस टेक्नोलॉजीज को बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट रेवेन्यू वगैरह हुआ है कंपनी का। टेक्निकली बात करते हैं शेयर को लेके जैसे कि शेयर में अभी बहुत ज्यादा एक तेजी वगैरह बनता हुआ देखने को मिल रहा है। टेक्निकली जो है एडवांस टेक्नोलॉजी का शेयर अगर बात करते हैं तो एक न्यूट्रल पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। RSI इंडिकेटर कह रहा है ये जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे, MACD इंडिकेटर कह रहा है जो शेयर है मतलब एक न्यूट्रल पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। फिर थोड़ा बहुत बोल सकते कि शेयर में जब बुलिश पैटर्न बन सकता है क्योंकि शेयर अभी एक तेजी बना रहा है तो टेक्निकली थोड़ा बहुत बोल सकते कि आप ऐसा है क्योंकि इसका अगर एक हाई प्राइस भी आप देखते हैं तो 98 के आसपास शेयर पहुंचता है तो वहां से शेयर का प्राइस डाउन होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो शेयर का प्राइस है मतलब उतना ज्यादा तेजी नहीं बनाता है, 1 रुपये के आसपास पहुंचता है। जैसे कि अभी 98 तक ये शेयर पहुंच 98 पैसा तक ये शेयर पहुंचा है
तो यहां से आपको जो है हो सकता है कि शेयर का प्राइस थोड़ा डाउन भी हो। अभी इसका Q2 25 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आने वाला है, तो उसका एक सेंटिमेंट मार्केट में बना हुआ है कि शेयर का प्राइस जो यहाँ पे तेजी बना रहा है। अभी यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कंपनी का जो मतलब जो शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग में देखते हैं तो प्रमोटर्स के पास 0.68% का स्टेक है, पब्लिक के पास 99.32% का स्टेक है एडवांस टेक्नोलॉजीज का। कंपनी को लेके जो अभी अपडेट आया है एडवांस टेक्नोलॉजीज को लेके, जहां पे इसका जो मतलब Q2 25 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है एडवांस टेक्नोलॉजीज, जो कि 14 नवंबर को शेयर करने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। अभी इसका जो एक नया कंपनी बनाया है एडवांस टेक्नोलॉजीज ने, तो एडवांस टेक्नोलॉजीज ने जो यहाँ पे एक नया कंपनी बनाया है जो कि एडवांस प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड करके जो है इसने एक नया कंपनी बनाया है एडवांस टेक्नोलॉजीज ने। अभी यहाँ पे जो है ये कंपनी जो इसको जो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड किया गया है और इसका जो है अप्रूवल फिलहाल अभी कंपनी को मिल चुका है। दोस्तों अभी कंपनी का जो है एडवांस टेक्नोलॉजी से देखते हैं तो हो सकता है कि आगे चल के भी इसको मार्केट में लिस्ट किया जाए, ऐसे कुछ अपडेट है फिलहाल देखेंगे तो ऐसा कुछ अपडेट नहीं है। अभी यहाँ पे आवास टेक्नोलॉजीज का जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये बोल सकते हैं कि गेम चेंज भी हो सकता है कंपनी के लिए, जैसे कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे जो है एडवांस प्लेटफॉर्म करके जो एक नया कंपनी है बनाया है, और इसका देख सकते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है ये। अभी यहाँ पे जो ये कंपनी बनाया है देख सकते हैं टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग जो बोल सकते हैं कि आउटसोर्सिंग सर्विसेस फॉर ऑल प्रोसेसेस सब प्रोसेस ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज ये सब है। तो ये जो एक नया कंपनी बनाया इसने जहां पे कंपनी जो है मतलब जो आउटसोर्सिंग सर्विसेस है एंड आउटसोर्सिंग सर्विस में अगर देखेंगे तो प्रोसेस सब प्रोसेस ये जो इसके बिजनेस है उसको एक सपोर्ट करने के लिए जिसने एक नया कंपनी बनाया ऐसा कहा जा रहा है। दिस इंक्लूड दोस प्रोसेस और सब प्रोसेस दैट आर एनेबल्ड By information technology. तो information technology के जो भी projects है या फिर process है वो ये company काम करे, उसमें जो ये company काम करेगा। अभी ये देखते हैं तो it also includes data, voice और video collections and processing, call center services including inbound and outbound calling services for all kinds of technical support, managed data center, managed technical center. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नए जो बोल सकते कि जिसके business मतलब नए जो इसके बोल सकते कि जैसे कुछ products है वो यहाँ पे add कर रहा है एडवांस टेक्नोलॉजीज। तो ये जो कंपनी इसने शुरू किया है एडवांस टेक्नोलॉजीज ने, तो ये कंपनी के लिए एक बहुत ज्यादा गेम चेंजिंग हो सकता है आगे चल के। शेयर का प्राइस अभी ज्यादा नहीं है, हमें नहीं लगता है कि दोस्तों फिलहाल जो है एडवांस टेक्नोलॉजी के शेयर में एक बहुत ज्यादा टारगेट प्राइस रखना चाहिए। 0.98 पैसे के आसपास शेयर अभी ये ट्रेड कर रहा है, यहां से शेयर का प्राइस थोड़ा बहुत डाउन भी हो सकता है। बहुत ही बोल सकते कि अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद फिलहाल अभी ये शेयर में मतलब अगर कोई ज्यादा टारगेट प्राइस रखता है तो रखना चाहिए। हमें नहीं लगता है कि ये शेयर जो यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी बना सकता है। आपको कैसा लगता है दोस्तों एडवांस टेक्नोलॉजी का शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए। भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग सेवी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोवाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।